नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 31 अगस्त 2023 के बारे में। 31 अगस्त 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या आ रहा है? आज के दिन में कौन सा एंजल नंबर और कौन सा अफर्मेशन आपके लिए रहेगा बेहद खास, साथ ही साथ कौन से वैदिक रेमेडीज आपको आज फॉलो करने हैं जो आपके लिए रहेंगी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी और जिससे आपके काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मैसेज ऑफ द डे के बारे में। आज के दिन का महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आप सभी ने इस लाइन को तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, एक चीज का बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले इस पर्पस से मत करिए कि आप दूसरों को बताना चाहते हैं, और जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको अपने काम पर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने काम पर विश्वास नहीं है और किसी व्यक्ति ने अगर उस काम के लिए कोई भी नकारात्मक बात करी तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। अपने आप को उस नकारात्मकता से बचाने के लिए और अपने आप को डीमोटिवेट करने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपने काम पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको अपने काम पर ही विश्वास नहीं होगा तो डेफिनेटली आप दूसरों की बातों में आकर के अपने काम को छोड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर विश्वास करना है। आपका काम लोगों की राय को बदलता हुआ नजर आएगा, आपका काम आपको और बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा, और आपका काम आपकी कर्म और आपकी कॉन्फिडेंस को और अच्छा बनाता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ गए होंगे और आज से आप भी जो काम आप करते हैं उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। अब बात कर लेते हैं आज के गोल्डन विश टाइम के बारे में। आज के दिन में जो गोल्डन विश टाइम रहेगा ये अर्ली मॉर्निंग का समय रहेगा और सुबह सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय जो है ये काफी ज्यादा उत्तम समय है। इस समय में अगर आप कोई भी जरूरी काम करना चाहें तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, आप सभी को अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आज के दिन में आप सभी के लिए क्या रहेगा एंजल नंबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का एंजल नंबर 4669 ये नंबर आपके लिए आज के दिन में काफी अच्छे काम करता हुआ नजर आएगा। आज सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इस नंबर को कम से कम 21 बार आपको रिकॉल करना है। एंड डेफिनेटली जब आप इस नंबर को 21 बार रिकॉल करेंगे उस समय में आपके मन में कॉन्फिडेंस, आपके मन में प्रॉस्पेरिटी और आपके मन में एक हैप्पीनेस जनरेट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे से फील करके इस एंजल नंबर को रिकॉल करते हैं तो डेफिनेटली ये सारी फीलिंग्स आप देखेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं आज के दिन में कौन सा अफर्मेशन है जो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। नोट कर लीजिएगा प्लीज आज का एक पॉजिटिव अफर्मेशन। आज का अफर्मेशन, आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन माईसेल्फ एंड माई पाथ। I have complete confidence in myself and my path. मतलब कि आपको आपके ऊपर पूरा विश्वास है और आपको आपके काम पर पूरा, आपके रास्ते पर पूरा विश्वास है। एंड उम्मीद करता हूं कि यही विश्वास आज जो आप बनाएंगे उसे आगे तक भी बरकरार रखिएगा, आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज आपको इस्तेमाल करनी है। उससे पहले अगर आज आपका जन्मदिन है, आपके एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए कई तरह की खुशियां लेकर के आ रहा है। आने वाले साल में आप सभी को प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी, आप सभी को लंबी ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। आने वाले साल में आपके काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे, बट यहीं पर आप सभी को फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश भी करनी है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। लीगल मैटर से अपने आप को बचा के रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वैदिक रेमेडीज के बारे में। वास्तु और ज्योतिष के कुछ अचूक उपाय जो आज के दिन में अगर कर लिए जाए तो ये दिन और भी ज्यादा बेहतर बन जाएगा।
देखिए दिन बहुत अच्छा है, पूर्णिमा का दिन रहेगा, सावन का महीना समाप्त हो रहा है यहाँ पर, और इसी के साथ साथ नए मास का भी आरंभ हो रहा है। फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला दिन यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे में आप सभी को कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज करनी है ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सुबह सुबह उठते ही आप सभी को सूर्यदेव को नमन करना है और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम 7 बार इस मंत्र को जरूर बोलिएगा, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सभी माइंड से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आप सभी अपने रिश्तों को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आपके दिमाग में चल रही है, तो आज क्या करिएगा, हल्दी का टीका आप अपने माथे पर और अपने गले पर, कंठ पर आप लगा दीजिएगा, इससे आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब आप हल्दी का टीका लगा रहे हैं तब जिन रिश्तों को सही करना चाहते हैं उनके बारे में सोचिएगा, इससे आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। धन से संबंधित कोई समस्याएं जीवन में चल रही है, पैसा आ नहीं रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, या पैसा किसी के पास रुका हुआ है और कर्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आज इस उपाय को करिएगा, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। आपको क्या लेना है, चुटकी भर हल्दी लीजिएगा और चुटकी भर कुमकुम लीजिएगा और दोनों को मिला करके हल्का सा पानी डाल करके गोल बनाइएगा और इस गोल से अपने घर की तिजोरी पर आज के दिन में स्वास्तिक बना दीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको पैसों से रिलेटेड समस्याएं समाप्त होते हुए नजर आएगी। आज के दिन में आप सभी अपने घर के मंदिर में भी भगवान को भोग लगाइएगा और भगवान को भोग में पीली मिठाई जरूर रख दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा और साथ ही साथ क्या करिएगा, थोड़ी सी हल्दी एक बाउल में या एक प्लेट में लेकर के भगवान के सामने अर्पित कर दीजिएगा और शाम के समय में उस हल्दी को अपने भोजन में इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे कि पूरे परिवार में वो बढ़ जाए और सभी की परेशानियां, सेहत से रिलेटेड इश्यूज समाप्त हो और सभी को अच्छा देखने को मिले। रात को अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, अचानक से नींद से उठ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आज के दिन में एक लाल कलर का पेपर लीजिएगा या फिर लाल कलर का कपड़ा ले लीजिए, पेपर ले लेंगे तो भी चलेगा, कपड़ा ले लेंगे तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, उसमें चुटकी पर हल्दी रखनी है, उसे फोल्ड करना है और रात को सोते समय अपने पिलो के नीचे रख करके सो जाइएगा और अगली सुबह उठने के बाद उस हल्दी को पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, कपड़े या कागज को फेंक दीजिएगा, उसे काम में ना ले। उम्मीद करता हूं कि इस उपाय से आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी और आपको किसी भी तरह की नकारात्मकताएं अपने आसपास देखने को नहीं मिलेगी। बहुत कारगर उपाय है सारे के सारे, करके जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसे मिले। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा जाएगा और अच्छे से आप इस दिन को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।